Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में बात करते हैं तीन मेजर प्रोजेक्ट्स जो TCS को रिसेंटली मिला है. इस उसमें से दो TCS ने लास्ट वीक ही ग्रैब करी है और एक को TCS को तकरीबन एक महीना हो गया उस प्रोजेक्ट को लिए हुए. और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो इज वर्थ मिलियन ऑफ डॉलर्स. तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में. किस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक किस कंट्री स्पेसिफिक के लिए प्रोजेक्ट है और बेसिकली इन प्रोजेक्ट से TCS को कितना फायदा हो सकता है और TCS एम्प्लॉय को अगर फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे. तो डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एज वेल. तो सबसे पहला मेजर प्रोजेक्ट जो TCS को हाथ लगा है वो है फ्रॉम एयरलाइंस पेंशन सिस्टम. तो बेसिकली TCS has secured a 15-year कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एयरलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन टू इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट एयरलाइंस न्यू ऑटो इनरोलमेंट रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जिसको माई फ्यूचर का नाम दिया गया है. तो बेसिकली ये माई फ्यूचर फंड एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसको TCS सपोर्ट करेगी टू इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट बेसिकली दी इंटायर प्लेटफॉर्म जो है इनका. ये न्यू रिटायरमेंट सेविंग स्कीम का जो इंटायर प्लेटफॉर्म है वो TCS सपोर्ट करेगी. तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है एंड दिस इज वर्थ 245 मिलियन डॉलर्स. अब हालांकि TCS ने अपने एंड से एग्जैक्ट वैल्यूएशन पब्लिक नहीं करी अभी तक, लेकिन जो जो जितना न्यूज में आ रहा है फ्रॉम आयरलैंड्स अपडेट्स जो भी न्यूज या टेक या न्यूज पेपर में इनका आ रहा है उस हिसाब से इट्स एस्टिमेटेड दैट इट्स क्लोज टू अराउंड 245 मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है और 15 साल का प्रोजेक्ट है. और बेसिकली इसमें TCS विल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन फॉर ऑटोमेटिक इनरोलमेंट ऑफ नियरली अराउंड 8 लाख वर्कर्स इन आयरलैंड. ठीक है. और जैसे मैंने आपको बताया भी है ये भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है. तो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से TCS का बहुत ही पुराना नाता है. ये दे हैव दिस टेंडेंसी टू ग्रैब ऑल द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, आई डोंट नो व्हाई. तो ये भी एक और एग्जाम्पल है. अब सिंस इट्स अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो आयरलैंड के जो हेल्थ मिनिस्टर है इस डील के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पब्लिक करी है, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, जिनमें ही व्हाट ही सेज इज लाइक आई एम प्लीज टू वेलकम TCS ऑन बोर्ड एज द मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर फॉर माय फ्यूचर फंड. TCS हैज अ वेल्थ ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस हैविंग प्रोवाइडेड सिमिलर सर्विसेज इन अदर कंट्रीज. माय ऑफिशियल्स एंड आई विल बी वर्किंग हार्ड अलॉन्ग विद TCS the revenue commissioners and payroll software developers to make sure that my future fund is delivered on time and to the highest standards. Right. तो ये तो बात हो गया सबसे पहला major project जो TCS को हाथ लगा. अब बात कर लेते हैं second. Second is with NVIDIA. We all know NVIDIA is world's largest chip maker और अभी के time पे this is the most high valued company, right? From मतलब valuation, highly valuation valued company, Snapple को भी पीछे छोड़ दिया है. तो TCS ने NVIDIA के साथ एक collaboration का plan किया है. और basically इसमें TCS क्या करेगी, तो TCS industry specific solutions और offerings जो customers को यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे adopt करने के लिए help करेगी, उस पर TCS ने ये एक NVIDIA के साथ कोलैबोरेशन करके एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस लॉन्च किया है इसमें. और अगेन इसका भी वैल्यूएशन अभी तक कंफर्म नहीं है, बट देन दिस इज अगेन शुड बी वर्थ मिलियंस बिकॉज NVIDIA जैसे कंपनी से अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो इट हैज टू बी हाईली वैल्यूड थिंग. तो ये दूसरा बात हो गया. अब तीसरा जो लास्ट वीक ही TCS ने पब्लिक करी है कि TCS साइंस अराउंड 10-year contract strategic partnership with Brazil's leading higher education institution in Spur.
इस पर से 10 साल का पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको। और इसमें बेसिकली टीसीएस क्या करेगी, तो टीसीएस वुड बेसिकली यू नो विद द हेल्प ऑफ इंस्पर लेवरेज एआई, जेन एआई राइट, और जो भी रिसेंट जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उस हिसाब से डिजिटल एंड एवरीथिंग प्लेटफॉर्म वगैरह ये सारी चीजें देखेगी। तो करेक्ट, तो यही सारी ये 3 मेजर प्रोजेक्ट जो टीसीएस को हाथ लगा है, पहला आयरलैंड का, दूसरा एनवीडिया का, एंड थर्ड एक ब्राजील ब्राजील का इंस्पर। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आई एम श्योर जैसे जैसे टाइम बीतेगा थोड़ा और जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन भी पब्लिक होता जाएगा और उस टाइम पे अपने को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके बारे में कि कितना वैल्यूड है। अब ये तो हो गया, ये तो हो गई बात क्या क्या मिला है राइट। अब बात कर लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्रॉम फॉर एग्जिस्टिंग टीसीएस एम्प्लॉय। तो फॉर एग्जिस्टिंग टीसीएस एम्प्लॉयज इट वुड बी नथिंग, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में अलाइंड हो राइट, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप बेंच में हो, यू आर वेटिंग फॉर एन प्रोजेक्ट और उस टाइम पे, और तो फिर थोड़ा बहुत यू कैन कंसिडर, बिकॉज जब प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली दे वुड यू नो लुक फॉर स्पेसिफिक स्किल्स। और अगर आप बेंच में हो, और टीसीएस का तो अभी इंटायर फोकस ही इस पे है कि कैसे बेंच स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया जाए, तो फिर डेफिनेटली अगर आप बेंच में हो तो दिस कैन बी अ गुड थिंग फॉर यू, आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। बट देन अगेन इट इट ऑल डिपेंड्स के ऑनबोर्डिंग कब से होगी, ये प्रोजेक्ट बेसिकली लाइव कब से होगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बट देन अगेन आप समथिंग गुड फॉर फॉर अ बेंच बेंच पर्सन जो टीसीएस में बेंच में है। अब और जो लोग टीसीएस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन टीसीएस, उनके लिए भी फायदा हो सकता है क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे स्किल्स वो बेंच से ही बेंच स्ट्रेंथ से ही निकाले, कुछ कुछ ओपनिंग्स की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगी। तो टीसीएस वुड डेफिनेटली लुक फॉर अ कैंडिडेट आउटसाइड आउटसाइड ऑफ टीसीएस। तो अगर आप टीसीएस के लिए ऑफर ऑफर का वेट कर, यू वॉन्ट टू ज्वाइन टीसीएस, देन दिस कैन बी गुड न्यूज फॉर यू। धीरे धीरे डेफिनेटली ये ओपनिंग्स भी आएंगी मार्केट में। तो राइट, ये सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था आज। और काफी सारी चीजें चल रही है, कुछ निगेटिव चीजें चल रही है टीसीएस के इर्द गिर्द, उसमें ऐसे कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो इट्स 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 लाइक अ फ्रेश एयर, तो अच्छी बात है। तो पॉजिटिव न्यूज भी आनी मतलब आनी चाहिए, निगेटिव तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए, लेकिन निगेटिव आ भी रहा है तो उसमें पॉजिटिव कभी कभार आना भी नेसेसरी है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यस कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।